डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को कुलपति बनाया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को डीएसपीएमयू का कुलपति बनाया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मौके पर नए कुलपति ने विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया, जानकारी ली और बैठक कर सभी स्टाफ से समय पर दफ्तर आने और समय पर परीक्षाएं परिणाम जारी करने का भी निर्देश दिया। तो मुझे पहले लगना चाहिए कि नहीं, मैं पहले श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में कोशिश करूंगा, उसके बाद बाकी जगह। और ये कब संभव होगा? जब हम लोग अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से संधारित करेंगे। और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती है, क्लासेस रेगुलर हो, परीक्षा नियमित हो, जो इस पार्ट ऑफ कंट्री में बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। कितने स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल इसलिए छूट गया क्योंकि समय पर यूनिवर्सिटीज ने रिजल्ट नहीं दिया। तो परीक्षा नियमित हो, रिजल्ट नियमित हो और ट्रांसपेरेंसी से